हम लोग का एमएलए मिनिस्टर लोग ही यहाँ में आज क्यों प्रेजेंट नहीं है, वो सवाल आप लोग को हम ये पूछना चाहूँगा। हर एक अपना बस्ती का रिजोल्यूशन लेके आया है कि हम लोग का यहाँ में सियांग डैम को टोटली अपोज है और हम लोग का हर एक बस्ती में 100% सियांग डैम को नहीं मानता है। टाउन विलेजेस है सब सियांग नदी का लेफ्ट एंड राइट बैंक में है। अगर ये मेगा डैम बनता है तो सारे का सारा ये जितना जमीन है, बस्ती है, एग्री होर्टी बागान है और टाउनशिप वगैरह है, सब पानी का अंदर चला जाएगा। हाँ, सबको नमस्कार, मेरा नाम डुंगा आपांग, मैं कन्वेनर कम इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी इन सियांग इंडिजीनियस फार्मर फोरम में है। तो आज का हम लोग का यहाँ का मीटिंग का बारे आप लोग को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। और आज जितना भी यहाँ में लोग आए थे, किसी का उम्मीद लेके आया था। उम्मीद मीन्स ऐसा है कि हम लोग का यहाँ में हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग जी है, इसके बाद हम लोग का ये कांगोंग थाकू 40 गेखुमारियांग और ये ओजिंग तासिंग 35 पांगिन बोलें, इसके बाद तादुम लिबांग एबीके प्रेसिडेंट, इसके बाद हम लोग का जिरबोम जामो प्रेसिडेंट आदिशु, उन लोगों का सब कुछ लाइनें सुनने के लिए, उन लोगों का एडवाइस सुनने के लिए यहाँ में सब होप करके आया था। लेकिन आज देखा तो उन लोग नहीं आया है, इसलिए यहाँ का आज पब्लिक लोग का कहना है कि उन लोग का क्या, किसके लिए, किस कारण से उन लोग नहीं आया है यहाँ पे, क्या उन लोग का सर्कुलर नहीं मिला है या कोई ये पॉलिटिक्स इशू में उन लोग नहीं आया है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का इसका कहना है कि आप लोग, हम लोग का यहाँ का अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट का एमएलए तीनों ही यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ है, वेरस यहाँ में इतना दूर दूर से असम से आया है, लोअर सियांग से आया है, बहुत दूर दूर से यहाँ में डाउन स्ट्रीम से आके भी आदमी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो स्टेक होल्डर का मालिक लोग, हम लोग का एमएलए मिनिस्टर लोग ही यहाँ में आज क्यों प्रेजेंट नहीं है, वो सवाल आप लोग को हम ये पूछना चाहूँगा। और आज जितना भी यहाँ में लोग आया है, यहाँ में है हम लोग का यहाँ में बगु बांगो, ये नुगो बांगो, मागो बांगो, रोदगो बांगो, रिंगोंग बांगो, बोइंग बांगो, निगोंग बांगो और मोरी बांगो, जितना भी लोग यहाँ में आया है उन लोग का रिजोल्यूशन में आज वो हर एक अपना बस्ती का रिजोल्यूशन लेके आया है कि हम लोग का यहाँ में सियांग डैम को टोटली अपोज है और हम लोग का हर एक बस्ती में 100% सियांग डैम को नहीं मानता है। बस इतना ही मेरा कहना था, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये जो डैम है बहुत साल पहले भी इस सियांग में बनाने के लिए सुना था, ऐसा बनाने के लिए तो इसको भी अपोज किया गया था। हाँ, पहले भी ये एक्चुअली हम अभी यहाँ में आके 4 मंथ्स ही हुआ है मेरा यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी होना, लेकिन ये जो पहले से 2013 से इसको फाइट कर करके आ रहा है, जो पहले यहाँ में NSPC लोग आके वो पुगिंग एरिया में बनाने के लिए किया था, इसका बाद वो रोकतुंग में, तो उसको भी हम लोग का यहाँ का लोग मिलजुल के, यहाँ का आदमी लोग, पब्लिक लोग उसका अगेंस्ट में करके उन लोग को यहाँ में डैम को बनाने नहीं दिया है। तो अभी तक वो उस समय से लेकर अभी तक ये डैम को यहाँ में बिल्कुल अपोज है, यहाँ डैम को हम लोग अलाउड नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग का जो ये डिमांड है उसको क्या ये जो गवर्नमेंट सुनेगा? इसको देखिए, इसको तो एक्चुअली बोलने से गवर्नमेंट सुनना चाहिए, क्यों बोलने से, जब तक हम लोग का यहाँ का पब्लिक को, यहाँ का स्टेक होल्डर को उन लोग कुछ भी नहीं बोल के, कुछ भी मीटिंग नहीं करा के उन लोग वहाँ में बैठ कर यहाँ डैम बनाएगा बोल के नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लोग का जगह है, हम लोग का एरिया है और हम लोग यहाँ का एरिया का मालिक है। यहाँ में कोई चीफ मिनिस्टर आओ या प्राइम मिनिस्टर आओ कि आके यहाँ में हम लोग डैम बनाएगा बोलने से भी हम लोग उसको नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग स्टेक होल्डर है, हम लोग यहाँ का ज़मीन मालिक है। तो उन लोग आके हम लोग को मीटिंग कराना चाहिए, इसका बाद मीटिंग करा के हम लोग अवेयरनेस कराना चाहिए, तब जाके हम लोग मानने से भी मानेगा, नहीं मानने से भी नहीं मानेगा। लेकिन उन लोग का ऐसे करने का, अभी जो उन लोग बोल रहा है कि यहाँ में डैम बनना पड़ेगा, चाइना में डैम बन रहा है, उसके लिए हम लोग वाटर बॉम्ब के लिए, हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यहाँ बना रहा है बोलता है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बोलने से देखिए, यहाँ में हम लोग का 10,000 मेगावाट का डैम बनाने वाला है, तो चाइना में कितना है, 60,000 मेगावाट का डैम बनाएगा, तो वहाँ का पानी जो है डैम जो टूटके यहाँ आने से 60,000 मेगावाट को यहाँ का 10,000 मेगावाट का वाल जो बंद कर सकेगा क्या? नहीं सकेगा, ये उल्टा हो रहा है।
वहाँ में 10,000 बना रहा है, यहाँ में 60,000 बना रहा है, बनने से वो बात भी अलग है। तो ये सब एक्चुअली बनने से मेरा कह रहा है ये सब बिल्कुल गलत गलत इंफॉर्मेशन है। ओके, तो आप लोग का जो डिमांड है इसको गवर्नमेंट नहीं मानने से आप लोग का क्या फर्दर स्टेप है? देखिए, हम लोग का फर्दर स्टेप तो आज यहाँ में जितना भी स्पीकर्स है सब बोल दिया, हम लोग तब तक नहीं मानेगा जब तक हम लोग का साथ गवर्नमेंट आके निगोशिएट करके हम लोग का साथ अवेयरनेस करा के हम लोग से बात नहीं करता है तब तक हम लोग नहीं मानेगा। और यहाँ में देखिए, आज एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही लिया, मीडिया वाला लोग यहाँ का, हम लोग का MLAs लोग कोई नहीं आया है, हम लोग का मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश का जो अपर सियांग में है, हम लोग का आलो लिबांग जी, वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे होने से हम लोग यहाँ का लोग क्या सोचेगा उन लोग को, और उन लोग का राय में क्या है आप लोग भी देखिए, आप लोग भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट वाला क्या सोचता है और हम लोग का यहाँ का पब्लिक क्या सोच रहा है। पब्लिक का व्यू तो आज आप लोग देख लिया, लेकिन यहाँ में गवर्नमेंट वाला एक भी आके आज तक हम लोग को, आज भी एक भी गवर्नमेंट वाला नहीं आया। एक तो आया था AC हाइड्रो पावर, ये अटक म्यूजी आया था, लेकिन उसका जो बोलने का उसको भी जितना उनका गवर्नमेंट का उसका तरफ से जो व्यू दिया था उसको भी यहाँ का पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है, इतना ही है। थैंक यू। आलो न्यूज़, MPL न्यूज़, आप सभी का माध्यम से मैं अपना नाम और डिजिग्नेशन बताना चाहूँगा। माइसेल्फ मिस्टर संजू तालो, प्रेसिडेंट ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी U2FX। आप है हमारे सेक्रेटरी जनरल ओमागीपुर, ये आप है हमारे अपर सियांग के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट डिकेन लिबांग, आप है हमारे सियांग डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट तालेम मिजे। थैंक यू। तो बताइए, आज के इस मीटिंग में आप लोग की तरफ से क्या क्या पॉइंट्स रखा है और आज के इस कॉन्फ्रेंस के बारे क्या बोलना चाहिए? हम लोग के आज के इस मीटिंग में हम लोग का 9 पॉइंट्स है, हम लोग का 8 पॉइंट्स है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी दिया गया है मेगा दाम नहीं बनना चाहिए, और इसको अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना हर बस्ती का हर लोगों का कहना है यहाँ सियांग दाम नहीं बनने देंगे, यही हम लोग का आज का ये मीटिंग का एजेंडा है। मीटिंग का एजेंडा को लेकर आप लोग ने पहले भी साइड पे और मीटिंग किया होगा विद कंसर्न अलग अलग से, तो क्या रिस्पॉन्ड आया और आगे क्या करने का सोचा? हाँ, हर बस्ती में हम लोग ये डाउन स्ट्रीम हम लोग का इस सियांग में भी किया, हम लोग का अवेयरनेस किया, हम लोग ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी का माध्यम से हम लोग अवेयरनेस किया। उन जहाँ तक हम लोग भाई हर बस्ती में गया, हर गांव में गया, जितना इफेक्टेड एरिया में गया है, उन लोगों का कहना है कि 101% उन लोग का नो दाम दाम नहीं बनना चाहिए, यही उन लोग का कहना है। पब्लिक का यही कहना है कि दाम नहीं बनने देंगे। तभी सरकार तो बार बार बहुत कोशिश कर रही है कि डैम को बनाया जाए, तो आपको क्या कहना है सरकार के ऊपर? हम आप सभी लोगों के माध्यम से हमारे अरुणाचल के सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं ये कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा, हम जितना हम लोग का जितना विक्टिम एरिया है, हम लोग को धाम बनाने से पहले हम लोग को अवेयरनेस नहीं किया। तो हमारा अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट पेमा कांडू जी का कहना है कि साइना में 60,000 मेगावाट्स का धाम बनने जा रहा है, और इसको धाम को रुकाने जब ओवरफ्लो हो जाएगा या धाम टूटेगा या आर्ट को एक होके बाईसांस धाम टूटेगा, तो हम लोग का अरुणाचल, हम लोग का जितना सियांग जितना है वो अफेक्टेड एरिया है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हमने ये तय किया है कि 10,000 का गीगावाट हम धाम साइना के धाम ओवरफ्लो को रुकाने के लिए हम तो धाम बनने जा रहा है। और हम सभी पब्लिक का कहना है, ये तो हम लोग को घुमरा बना रहा है, अरे साइना में 60,000 मेगावाट्स दाम बनने जा रहा है, हम सियांग में क्यों 10,000 गीगावाट्स का दाम बनेगा? 60,000 और 10,000 का इक्विवेलेंस आप तो जानते हैं, इसलिए ये सब बहुत ये हम सभी पब्लिक लोग को, आम नागरिकों को घुमरा बना रहे हैं। इसलिए मेरा पेमा कांडू गवर्नमेंट से भी यही अनुरोध है कि अब हमारे जितना सियांग जिले और अपांग सियांग जिले का जितना विक्टिमाइज है, हर बस्ती का, हर गांव का, जितना लोगों का
दुख दर्द को आप समझ लीजिए, समझिए, और अब है गया हमारे लोकल एमएलए लोगों का जितना है, आपको हमने सुना है, बूथ सुना है, एमएलए बनाया है, नेता बनाया है, आज आपने हमारे लोगों का आंसू, हम लोग जितना यहाँ आंसू बहा रहा है, हम लोग जितना यहाँ रो रहा है, हम लोग का एरिया के लिए, हम लोग का ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, आप अभी आज हम लोग ये कॉन्फ्रेंस में बुलाया था आप लोग को आने के लिए, आप लोग का अच्छा सलाह सुनने के लिए, लेकिन आप नहीं आया, तो हमारा पब्लिक का तरफ से हमारे लोकल यहाँ के एमएलए लोगों को भी यही संदेश है कि आप प्लीज़ गवर्नमेंट से भी आप अनुरोध कीजिए, जितना भी प्रोसेस किया, प्रोसीडिंग किया, उसको स्टॉप कीजिए और आगे दाम के लिए कहानी नहीं बनाना चाहिए। यही हम पब्लिक का तरफ से और आप लोग का माध्यम से मैं यही हम गवर्नमेंट को संदेश देना चाहता हूँ। ओके, तो जो भी इश्यू होते हैं तो यूथ का बहुत रोल होता है, तो अगर ये जो डैम आप लोग का जो अभी डिमांड है, इसको डैम नहीं बनाना है बोल के आप लोग अभी गवर्नमेंट को प्रेशर दे रहे हैं, अगर इसको नहीं सुन के अगर वो कंटिन्यू रखता है तो आप लोग ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी क्या फर्दर स्टेप करेंगे? देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है, हम लोग धाम नहीं बनना चाहिए बोल के, हम ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी, मैं कौन होता हूँ ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी, हम आदि के लिए जिएंगे, आदि के लिए मरेंगे, अगर हम लोग का कहना, हम लोग का जितना है, हम लोग का इशू को अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगा तो हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, हम ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी एज ए यूथ विंग मिस्टर संजू तालो, हम आदि के लिए मरेंगे, आदि के लिए हम जिएंगे। मेरा नाम तासिक पंकम, मैं सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स का एडवाइजर भी है और स्पोक पर्सन भी है, तो मैं आप सभी को मीडिया पेट्रोनिटी को थैंक यू देते हुए आज का मीटिंग का सिलसिले में ये कहना मैसेज देना चाहूँगा कि ये मीटिंग इसलिए हम लोग आज गेकू में प्रोग्राम में कंडक्ट किया कि हमारा सियांग नदी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट खास करके हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट 10,000 मेगावाट का प्रपोजल रखा है, तो हम लोग बिल्कुल इस सियांग वैली का स्टेक होल्डर लोग ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, इसलिए कि हमारा जितना यहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जितना टाउन विलेजेस है सब सियांग नदी का लेफ्ट एंड राइट बैंक में है, अगर ये मेगा दाम बनता है तो सारे का सारा ये जितना ज़मीन है, बस्ती है, एग्री होर्टी बागान है और टाउनशिप वगैरह है, सब पानी का अंदर चला जाएगा। ये हम लोग एक तरफ से एंटी डेवलपमेंट का रूप में देख रहा है, तो जितना आज मीटिंग में यहाँ उपस्थित हुए हैं सबका मानना है, कहना है कि मेगाधाम को बिल्कुल नहीं मानना है, हम लोग फ्यूचर में लैंडलेस हो जाएगा, हम लोग यहाँ से एक बहुत दुख का साथ या पहाड़ तरफ में चला जाएगा जहाँ बस्तियाँ या कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पा सकने वाला जगह में चला जाएगा, हम लोग का लाइफ बहुत हार्डशिप में पड़ जाएगा, इसलिए आज जितना स्पीकर्स यहाँ स्पीच दिए हुए हैं मीटिंग में सबका मानना है कि बिल्कुल सियांग मेगा धाम को हम लोग बनना नहीं देगा, तो इस कनेक्शन में हम लोग और बस्ती से एक तो इसमें परमिट्स है, इसमें ये ग्राम सभा रेजोल्यूशन सब बस्ती से लाया है, ये ग्राम सभा रेजोल्यूशन को पॉलिटिकली या कुछ प्रेशर देके हम लोग नहीं मंगाए, और बस्ती और जमीन मालिक अपना खेती बाड़ी जमीन बस्ती जितना है नदियाँ है इसको प्यार लगते हुए सब बस्ती यहाँ में ग्राम सभा रेजोल्यूशन लाया है, तो ये ग्राम सभा रेजोल्यूशन को आप लोग ये फोटोग्राफ ले देने, ये एक तो सिस्टम है कि अगर मेगा दाम नहीं चाहते हैं लोग तो इस
फॉर्म का जरिया हम लोग इसको गवर्नमेंट में प्रोवाइड किया जाता है ताकि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करे, इसको ट्रीनाइज करे। तो हम लोग यहाँ से पारोंग, सितांग, रीगा, जोरकोंग, कुमकु, कारको, गोसांग, रामसिंह, बोमडो, जानबो, मोसिंग, मीगिंग, निंगिंग, पांगो, तोतिंग टाउन से ऐसे ग्राम सभा रिजोल्यूशन आज हम लोग इकट्ठा किया। यहाँ से लेके बगुंग, रियो, गेकु, कोमकार, सिमोंग, गेते, पुगुंग, लिकोर, पालिंग, अंगुंग, सिंगुंग, जीतोंग, अमिंग तो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना सब बस्ती, सब स्टेक होल्डर लोग मेगाधाम नहीं बनना है बोल के अपोज करके ये अगर स्टेप लिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पावर और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर, ये सब इसको माने मानना चाहिए कि लोगों का जो विचार है, लोगों का जो दुख है इसको एक्सेप्ट करके ये सियांग मेगा धाम 10,000 या 13,000 जीगावाट का जो प्रपोजल रखा है इसको जल्द से जल्द स्क्रैप किया जाएगा होगा बोल के, तो उतना मैं अपना यही में विराम करता हूं। सर, एक क्वेश्चन, ये जो गवर्नमेंट है जो स्पेशली जो जब हमारे राज्य सरकार की जब हम बात करते हैं, हाँ, तो उस दिन हाल ही में जो महबूब पे एक फंक्शन हुआ था जहां पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू जी, हाँ, उन्होंने कहा था, एक अवेयरनेस दे रहा था पब्लिक को कि ये सियांग डैम, सियांग मेगा डैम बनना चाहिए, अगर यहाँ पर सियांग मेगा डैम बनता है तो यहाँ के लोगों को बहुत सारा सर्विस भी मिलेगा, नौजवान को सर्विस मिलेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है, तो उसको लेकर आपका क्या राय है वो थोड़ा बता दीजिए। उसका कनेक्शन मैं आज का मीटिंग को दिमाग में दिल में रखते हुए मैं ये स्ट्रेट कहूँगा कि अगर कल भी परसों भी पेमा खांडू यहाँ आए और या कोई आर के सिंह, जसवंत सिंह लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आके हम लोग को सियांग मेगा धाम बनना देना चाहिए बोलने से भी हम लोग स्ट्रेट वे बोलेगा हम लोग बिल्कुल नहीं मानता है। सर्विस वर्विस का कॉम्पेंसेशन का बात तो छोड़िए, क्योंकि आज आप लोग यहाँ में मीटिंग में उपस्थित हो के लोगों का दिल को, सेंटिमेंट को आप लोग समझ गया है, यानी आप लोगों का कहना है कि सर्विस तो चोरी है, यहाँ पर बनने ही नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, इसमें हमारा पोस्टर में लिखा हुआ है नो सर्वे ओवर सियांग रिवर, दैट इंडिकेट्स दैट पीपल ऑफ दिस सियांग वैली टोटली डू नॉट वॉन्ट टू मेक कंडक्ट सर्वे एक्टिविटीज इन सियांग वैली।